नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्ग निकालने के पांच बहुत ही सरल और बहुत ही मजेदार तरीका सीखने वाले हैं, क्योंकि हम वर्ग निकालने के बहुत सारे ट्रिक ढूंढते रहते हैं। तो आज मैं एक ही वीडियो में पांच तरीका बताने वाला हूं, वो भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब सरल से स्टार्ट करेंगे और कठिन की ओर जाएंगे, लेकिन वो कठिन नहीं होगा, बहुत ही सरल होगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर मैंने लिख रखा है वर्ग निकालने के हम पांच शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सरल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा गणित कहां से स्टार्ट होगा? छोटी संख्याओं से होगा, मतलब हम एक से लेकर नौ तक की संख्याओं का वर्ग तो जानते हैं, लेकिन जब हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें 10 से लेके 20 तक के बीच की संख्या का वर्ग निकालना हो तो हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्ग निकालने का जो तरीका बता रहा हूं वो बहुत ही सरल होगा, क्योंकि यहां पर देखिए, अगर हम 10 के वर्ग की बात करते हैं तो 10 दहम 100 होता है, लेकिन यहां पर हम अगर 10 को आधार मानकर गणित बनाएं, वर्ग निकालें, तो इसमें 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद जो भी संख्या आएगा, 20 से पहले तक की बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि 20 का वर्ग निकालना तो बड़ा आसान होता है। 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, और इसमें आप 2 जीरो लगा देंगे तो हो गया। हमें क्या करना है, 10 और 20 के बीच, मतलब इसके बीच जो भी संख्या आता है, जैसे 15 आ गया, या फिर 18 आ गया, या फिर 19 आ गया, ऐसे कोई भी संख्या जिसका हमें वर्ग निकालना है और जिसके लिए हम आधार किसको मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर आधार मान रहे हैं 10 को। तो किसी भी संख्या का वर्ग आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे 11 का वर्ग निकालना है, ध्यान दीजिएगा, तो 11 जिस संख्या का आप वर्ग निकाल रहे हैं वो जो है, जो आपने जो आधार लिया है जैसे 10, उससे कितना अधिक है, कितना अधिक है, मतलब ध्यान दीजिए, जितना अधिक होगा उसको जोड़ देना है। तो यहां पर देखिए, 11 जो है 10 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो इनको जोड़ेंगे तो इतना आएगा, और लास्ट जो संख्या होगा उसका वर्ग करके लिख दीजिए, आपका वर्ग हो जाएगा। लेकिन ये आगे की संख्या पर भी लागू होगा। जी हाँ, जैसे 12 का आपको वर्ग निकालना है तो आप क्या करिएगा, 12 लिखिएगा, जितना अधिक है 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो लिखिए, इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और जो लास्ट में संख्या जितना अधिक है, जितना अधिक है उसका वर्ग कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो यहां पर देखिए इसका वर्ग हो गया। उसी प्रकार यदि मुझे 19 का वर्ग निकालना है तब भी होगा। आपको क्या करना है, हमको पता है कि इसका ट्रिक क्या है, हम उस संख्या को लिखेंगे, और ये 10 से कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो इसको भी हम लिखेंगे, उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे, तो यहां पर देखिए 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। अब ये जो संख्या दिख रहा है उसका हमें, मतलब जितना अधिक है उसका वर्ग करके लिखना है, लेकिन भाई यहां पर तो ये दो अंकों की संख्या, यहां पर एक अंकों का हो रहा था, अगर ये 2 अंकों का संख्या हो जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां पर आपको 1 जीरो लगा देना है, और 9 81 को आपको यहां पर इस प्रकार लिखना है, फिर आपको जोड़कर लिख देना है। अब जब आप इसको जोड़कर लिखेंगे तो आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये गणित जो है अलग तरीके से बन जाएगा, और बहुत ही सरल तरीके से भी बन जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर तो 1 आ जाएगा, 8 8 16 का 6 हासिल 1 जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 361। उसी प्रकार यहां पर कोई भी संख्या हो भाई, जैसे अगर मुझे किसका निकालना हो, 18 का निकालना हो, तो चलिए इसको मैं पूरा ऊपर ले जाता हूं, आप समझ तो आ गया है कि इसको हम किस प्रकार बना रहे हैं। देखिए, अगर हमें यहां पर 18 का वर्ग निकालना है तब भी हमें इसका समझ आ गया है कि भाई आधार 10 है और इससे कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो वर्ग कैसे निकालते हैं, जो संख्या दिया है और जितना अधिक है उसको जोड़ देंगे, 8 8 16 यहां पर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और जितना अधिक है ना, उसको हम यहां पे जोड़ना है, लेकिन केवल 1 जीरो लगाकर, 1 जीरो लगा देंगे, क्योंकि हमने आधार कितना लिया है, 10 लिया है, मतलब इसको 10 से गुना करा जाता है, फिर 8 8 64 यहां पर लिखेंगे, अब इसको हम गुना करेंगे, तो यहां पर कितना आएगा, 4 आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, हासिल एक गया है 324, आपका उत्तर हो गया है। दोस्तों, इसी प्रकार आप कोई भी संख्या जो 10 से अधिक है और 10 के करीब है, जैसे अभी कौन सा संख्या बच गया है, 17, और प्रायः 17 का वर्ग लोगों को याद नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से याद करेंगे तो हमको पता है कि 10 + 7 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि जितना अधिक है, तो भाई आपको 17 का वर्ग निकालना है तो जो संख्या दिख रहा है ना, जितना अधिक है उसको जोड़ दीजिए, 7 दूनी 14, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, फिर 7 7 49, तो आपको क्या करना है, यहां पर 1 जीरो लगा देना है, उसके बाद 49 को यहां पर लिख देना है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो लगा ना बहुत ही शानदार तरीका, तो ऐसे ही बेहतरीन तरीका मैं आगे भी बताने वाला हूं। तो ये तो हो गया पहला ट्रिक, अब दूसरे ट्रिक की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, अगर हमें इस प्रकार की संख्या का वर्ग निकालना है, यहां पर मैं 2 प्रकार की संख्या ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहां पर 50 से आसपास की संख्या हम ले रहे हैं, अभी हमने 10 का आधार वाला लिया, अब जो गणित हम बना रहे हैं
उसमें हम आधार किसको ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं। इसका मतलब यह है इसमें संख्या जो है 50 से अधिक भी होगा और 50 से कम भी होगा। मतलब अधिक और कम दोनों कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे यहां पर लागू करने वाले हैं। जैसे अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, जब हमें वर्ग निकालना हो जो 50 के आसपास हो तो आपको क्या करना है, इसमें आधार नहीं लेना है। आपको ध्यान देना है यहां पर मैं अलग तरीका बता रहा हूं आपको क्या करना है। जैसे मुझे 52 का वर्ग निकालना है तो यहां पर आपको एक तरीका अपनाना होगा। यहां पर हमें क्या करना है, ये 50 से कितना अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो जितना अधिक है उसका वर्ग निकालना है। जितना अधिक है उसका वर्ग निकालना है, तो 2 है तो 2 दूनी 4 होगा, और इसको आपको हमेशा 2 अंकों का लिखना है। बस याद रखिए 2 अंकों का लिखना है, तो हमने 2 अंकों का लिखा। अब बाकी जो संख्या दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रिक आपको यही लगाना है, ये 50 से कितना अधिक था वर्ग लगा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 50 का आधा 25 होता है। अब जितना अधिक था, कितना अधिक था, 2 अधिक था, उसको आपको 25 में जोड़ना है। ध्यान दीजिए 25 में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो यहां पर आपको लिख देना है 27। और दोस्तों ये जो है ना उत्तर हो गया है, जी हाँ ये वर्ग निकल गया है। ये जो है वर्ग निकालने का बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल सा मेथड होता है, तो इस ट्रिक का प्रयोग आप जरूर करिए। जैसे मुझे इसका वर्ग निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 59 का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो मुझे पता है कि प्लस 9 अधिक है 50 से, 9 अधिक है कम होगा, तब क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, जितना अधिक है उसका आप वर्ग निकाल लीजिए, 9 × 81 को 2 अंकों का लिखना है। तो ये तो 2 अंकों का खुद ही है, आपको और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद मैंने बताया था जितना अधिक है उसको आपको जोड़ना होता है, अगर 9 अधिक है तो 9 को जोड़ेंगे, तो यहां पर 9 × 5 = 14, यहां पर कितना जाएगा, मतलब 34 आएगा, और इसको आपको सीधा सीधा यहां पर लिख देना है, और ये आपका वर्ग हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ग निकालने का एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही सरल सा तरीका होता है। अब चलो एक और चीज देख लेते हैं, अगर वह संख्या छोटा हो गया, 50 से छोटा हो गया, उदाहरण के लिए हमें 44 का है ना 44 का वर्ग निकालना हो, अब हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें जो संख्या दिख रहा है वो क्या है, कम है, और कितना कम है, 6 कम है। जितना कम है कोई दिक्कत नहीं है, जितना कम है उसका आप वर्ग निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36, यहां पर हमने 36 कर दिया। अब हमें क्या करना है, यदि वो संख्या क्या है, कम है, ध्यान दीजिए अगर कम है तो आपको यहां पर 25 में ही कम करना है, कम करना मतलब घटाना है, ठीक है, कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे, तो यहां पर कितना आएगा, 19 आएगा, और 19 को आपको यहां पर लिख देना है, और ये आपका उत्तर हो गया। बहुत ही सरल है, बस आपको इस गणित को सरलता पूर्वक और सावधानी से बनाने की आवश्यकता है। ये देखिए अगर हमें 47 का वर्ग निकालना है ना, 47 का वर्ग निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना कम है, 3 कम है, जितना कम है उसका वर्ग, 3 × 9, और मैंने क्या बताया है, 2 अंकों का लिखना है, तो ये 2 अंकों का तो हो ही गया। अब क्या करना है, जितना कम है, अब हमको पता है कि यहां पर ये 50 वाला ले रहे थे ना, जब भी संख्या 50 के आसपास हो चाहे कम हो या ज्यादा हो तो आपको क्या करना है, 25 लेना है, ठीक है, और 25 में आपको क्या करना है, जितना ज्यादा है तो जोड़ेंगे और कम है तो घटाएंगे, तो हमें तो यहां पर कम दिख रहा है तो 3 को घटा देंगे, तो यहां पर कितना आएगा, 22, और इस 22 को आपको यहां पर सीधा लिख देना है, और यह आपका उत्तर हो गया। दोस्तों थोड़ा सा सावधानी बरत के इसको आप 30 और 40 के बीच की संख्याओं के लिए भी लागू कर सकते हैं, उसी प्रकार 60 और 70 के बीच की संख्याओं के लिए भी लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसी को अगर मैं 62 का वर्ग निकालना चाहूं, इसी ट्रिक में अगर मैं 62 का वर्ग निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको ध्यान ये देना होगा कि ये जो है 50 से अब कितना अधिक है, अगर ये 12 अधिक है, इसी प्रकार हम कम के लिए भी निकाल सकते हैं, अगर ये 12 अधिक है तो आपको 12 का वर्ग निकालना है, तो ये हो जाएगा 144, लेकिन मैंने आपको बोला है 2 अंकों का लिखना है, तो भाई यहां पर हमें थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, यहां से आपको 2 अंकों का तो लिखना था, हमने 2 अंकों का लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको नियम के तहत 25 में क्या करना होगा, जो संख्या अधिक है उसको जोड़ना है ना, जोड़ना है, तो यहां पर देखिए 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और 2 और 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और यहां पर जो 1 दिख रहा है वो एक प्रकार का हासिल है, तो इसको आप क्या करिएगा, 37 को यहां पर लिख दीजिएगा, या फिर इसको जोड़कर डायरेक्ट यहीं पर लिख देते तो भी आपको होता, जैसे 37 है तो आप यहां पर 38 लिख दीजिएगा, और ये आपका उत्तर हो गया। चाहे तो इसको हम जोड़ के लिखते तब भी, मतलब तो समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हाँ, अगर संख्या कम हो तब भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपको 39 का वर्ग निकालना होता, उदाहरण के लिए 39 का निकालना है, अब हमको पता है 50 के एकदम नजदीक तो नहीं है, फिर भी उस ट्रिक का प्रयोग करना चाहते तो हमको पता है कि 11 कम है,
है ना, जितना कम है उसका वर्ग। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर दो अंकों का लिखना है, तो हमको पता है 11 का वर्ग होता है 121। अब थोड़ा सा इसको मैं जमा के लिखता हूँ, हमें दो अंकों का लिखना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल 21 लिखेंगे, और ये जो एक है ना वो हासिल चला गया, या फिर हासिल को हम कहीं पर भी ऐसा लिख भी सकते हैं डायरेक्ट हम जोड़ कर अगर इसको लिखना चाहेंगे तो चलो मैं इसको यहाँ पर अलग से लिख लिया हूँ ताकि मैं इसको डायरेक्ट जोड़ कर लिखूँ। अब मुझे क्या करना है, 25 में ये देखिए 11 है ना, तो 11 कम था तो आपको यहाँ पर 11 को घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन हमारा जो हासिल है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये आपका उत्तर हो गया है। निश्चित रूप से आप इसका जाँच भी कर सकते हैं। चलिए इसका एक और ट्रिक हम जानते हैं, उसके आधार पर इसको हम जाँच करके आगे बताएंगे भी ताकि आपको बहुत आसानी से ये समझ आ सके। चलिए तीसरे ट्रिक की ओर चलते हैं। ये वाला जो ट्रिक है ना वो भी बहुत ही शानदार ट्रिक है और सबसे बेहतरीन ट्रिक होता है ये वैदिक मैथ्स में, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई में क्या हो, 5 हो, और इसका अगर हमें वर्ग निकालना हो तो बहुत ही आसान होता है। मान लिया यहां पर एक कोई भी संख्या है, a है, और यहां पर क्या है, 5 है, इसका वर्ग मुझे निकालना है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक होता है भाई, यहां पर आपको क्या करना है, 25 तो लिखना ही होता है, और यहां पर जो भी संख्या हो, जैसे a है, तो a कोई भी संख्या है, तो इसको इसका अगला संख्या मतलब उदाहरण के लिए b से गुना करना होता है। तो यहां पर जो भी संख्या दिख रहा है उस पर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मुझे 35 का अगर स्क्वायर निकालना हो ना, तो मैं क्या करूंगा, मैंने भी बताया उसके आधार पर यहां पर क्या करना है, 5 × 25 तो लिखना ही है, और 3 से 1 अधिक संख्या मतलब 4, तो 4 × 3 = 12, और आपका वर्ग हो गया। इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर 75 लिखेंगे। देखिए यहां पर इसको हम 3 अंकों के लिए भी लागू कर सकते हैं, 4 अंकों के लिए भी लागू कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताऊंगा। इसका अगर मुझे वर्ग निकालना हो तो 5 × 25 लिखूंगा, और 7 को एक अधिक संख्या, 7 × 8 = 56, 56, ये आपका उत्तर हो गया। तो निश्चित रूप से इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। भाई इसको अगर हमें कितने अंकों के लिए, 3 अंकों के लिए लागू करना हो, तो क्या इस ट्रिक का प्रयोग हम कर सकते हैं या पालन करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर हमें पता है कि इकाई में 5 है, तो इसमें हम ट्रिक का पालन करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो 25 लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद यहां पर जो संख्या है 5 के अलावा जो शेष संख्या है उसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे। अब 11 को 12 से गुना करेंगे तो निश्चित रूप से 11 का वर्ग अगर हम निकालते हैं तो 121 होता है। इसको एक बार और गुना करेंगे तब 12 से गुना हो जाएगा, मतलब इसमें अगर हम 11 और जोड़ देते हैं तो 132 हो जाएगा, और यही क्या है, 11 को 12 गुना करने से आएगा। तो यहां पर 132, और ये आपका उत्तर हो गया है ना, बहुत सरल। चाहे तो आप देखिए, बड़ी सी संख्या आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर बड़ा लग रहा है, कठिन भले लग रहा है, लेकिन कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका वर्ग निकालना है तो ये क्या दिक्कत है भाई, आपको तो 25 लिखना है, हमने 25 लिख दिया, 25 लिख दिया। अब आपको पता है कि 19 से एक अधिक संख्या कौन सा है, 20 है, इसको गुना करना है। भाई अब 19 को 20 से गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है, 19 दुनिया आप क्या कर दीजिए, 38 कर दीजिए, 0 लगा दीजिए, और उस संख्या को आपको यहां पर लिख देना है, और ये आपका उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, इकाई में 5 हो तो गुना आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, यहां पर हम किसके पास चले गए हैं, अब 100, यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100 से कम हो तो क्या करें और 100 से अधिक हो तो क्या करें। तो दोनों ही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए मैंने दोनों प्रकार के प्रश्न लिखा है, यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अगर कोई संख्या जो है 100 के आसपास है, अब 100 के आसपास मतलब दो कंडीशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 100 से अधिक हो सकता है, मतलब वो ज्यादा हो सकता है 100 से, तब क्या करेंगे, या फिर 100 से कम है तब क्या करेंगे। दोनों ही परिस्थिति इसमें लागू हो रहा है। देखिए यहां पर जो मैंने संख्या लिया है वो 100 से कम है, यहां पर जो संख्या लिया है वो क्या है, 100 से अधिक है। अब 100 से कितना कम और कितना अधिक है, ध्यान दीजिए, जब भी आप 100 लिखते हैं तो इसमें 2 जीरो आता है, तो आपको यहां पर सावधानी बरतना है, और कौन से सावधानी बरतना है मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आधार में 2 जीरो है, तो इसी 2 जीरो का उपयोग करके हम इन प्रश्नों को बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको पहले प्लस वाला बता देता हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि सभी लोग जोड़ की संक्रिया को सरल समझते हैं घटाने से, तो हम पहले जोड़ वाला को बनाते हैं। जैसे 102 है, अब सबसे पहले आपको ये देख लेना है ये कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो आपको क्या करना है, जिसका आप वर्ग निकाल रहे हैं 102 का, तो जितना अधिक है उसको आपको जोड़ देना है। तो 102 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 104, यहां पर कितना जाएगा, 104, हमने लिख दिया 104। अब मैंने आपको बताया है कि हमारा आधार कितना था, 100 था, तो आपको क्या करना है, चाहे तो आप इसी में क्या करिए,
दो जीरो लगा दीजिए या फिर आप जो भी संख्या अभी लिखने वाले हैं उसको दो अंकों का लिखना है। अगर वो तीन अंकों का हो रहा है तो आगे हम उसको कैरी ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जितना अधिक था उसका वर्ग निकालना है, तो दो दूनी चार, और चूंकि हमको पता है कि दो दूनी चार जो है एक अंकों का है, तो इसको हमें दो अंकों का बनाना है। दो अंकों का क्यों बनाना है, क्योंकि हमने जो आधार लिया है उसमें दो जीरो है, तो इसको हम क्या करेंगे, जीरो फोर यहाँ पर लिखेंगे और ये हमारा उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, हाँ इसको हल करने का तरीका भले अलग होता है, कई लोग अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे इसको मुझे बनाना है तो मुझे पता है कि कितना अधिक है, देखिए हमें लिखना है सात, और ये कितना अधिक है प्लस सात अधिक है, जितना अधिक है उसको आपको जोड़ना है। तो सात दूनी चौदह मतलब 114 ये हो गया, और यहां पर क्या करना है, जो अधिक है जितना अधिक है उसका वर्ग करके लिखना है, लेकिन आपको क्या करना है दो अंकों का लिखना है ना, क्योंकि इसमें दो जीरो है, तो 7 × 49 ऑलरेडी दो अंकों का है और ये आपका उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए यहां पर देखते हैं, ये तो बहुत ही सरल है, इसका अलग से भी ट्रिक होता है, बहुत सारे ट्रिक होता है, लेकिन अगर इसको आप बनाना चाहें तो हमको पता है कि 111 कितना अधिक है, ये 11 अधिक है, तो जितना अधिक है उसको जोड़ना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। अब 11 का वर्ग देखिए तीन अंकों का आ रहा है, 11 का वर्ग कितना होता है 121, और हमको बताया गया है कि यहां पर कितना अंक लिखेंगे हम, दो अंक लिखेंगे, तो भाई यहां पर हम दो लिखेंगे और यहां पर एक लिखेंगे, और एक तो यहां पे आ गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम 100 से गुना करते तो दो जीरो लगाते, अब इसको आप जोड़ते तो एक आता दो आता, यहां पर कितना आएगा तीन आएगा, दो आएगा और एक आएगा, बिल्कुल उत्तर सही है। क्यों सही है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संख्या जिसको हम इस प्रकार गुना करते हैं ना, जिसको एक 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 से ही गुना करना हो, तो ये जितने बार आया उतना बार लिखते, एक दो तीन लिख दीजिए, फिर इसको घटते क्रम में लिख दीजिए, उत्तर हो गया। अगर एक को आपको चार या पांच बार गुना करना हो, एक दो तीन चार पांच, देखिए इधर भी पांच बार इधर भी पांच बार, तो इसको आप उत्तर कैसे निकालते हैं, एक दो तीन चार और पांच लिखिए, फिर चार तीन दो और एक लिखिए, ये आपका उत्तर हो गया है, तो ये भी एक ट्रिक होता है। चलिए एक और प्रश्न बचा है, उसके बाद हम कम वाला भी बताएंगे, इसको देख लेते हैं। अगर 115 का वर्ग निकालना है, निश्चित रूप से आपको समझ आ गया है कि ये 15 अधिक है, तो 15 आपको जोड़ना है, 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130, ठीक है। अब हमको पता है कि यहां पर हमको दो अंक लिखने होंगे, लेकिन हमको पता है 15 का वर्ग 225 होता है और ये तीन अंकों का है, तो भाई आप क्या करिएगा, या तो यहां पर दो अंक को आप यहां पर 25 लिखिए और दो को यहां से ले आइए, फिर उसके बाद पांच लिखिए, दो लिखिए, दो लिखिए, तीन लिखिए और एक लिखिए, और यह आपका उत्तर हो गया है। तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से समझ आ भी रहा होगा, जैसे इसका हम क्या करें, इकाई में पांच है उस मेथड से भी निकालेंगे तब भी हमारा उत्तर यही आएगा, ये भी हो गया। अब चलिए हम उस गणित को देख लेते हैं जिसमें अगर संख्या कम है 100 से तब क्या करेंगे। सबसे पहला संख्या हमने ले लिया है 98 और 98 का स्क्वायर निकालना हो। अब देखिए यहां पर हमें यह देखना है कि ये कितना कम है, अभी कितना कम है, निश्चित रूप से ये ऋण दो, मतलब दो कम है ऋण दो है, तो जितना कम है उसको आपको घटाना है, बस आपको क्या करना है, जितना कम है उसको घटाना है, तो 98 में आप दो घटाएंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। अब इसका वर्ग करेंगे और दो अंकों का लिखेंगे, वर्ग करके दो अंकों का लिखेंगे, तो यहां पर कितना आएगा, दो दूनी चार, ये हमने दो अंकों का लिख दिया और ये हमारा उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक और बेहतरीन ट्रिक मैं आगे बताने वाला हूं, इसका मुझे बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, 92 लिखा और हमको पता है कि ये 100 से कितना कम है, ये 8 कम है, तो आपको क्या करना है, जितना कम है उतना ही आपको माइनस करना है। अब हमको पता है कि ये दो घटेगा नहीं, तो हासिल यहां पर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4 आएगा, हासिल एक चला गया, यहां पर कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। इसको आप करके भी देख सकते हैं, 8 × 4 = 12 का 2 है ना, हासिल 1, इसमें जाएगा तो 92 राइट है। अब 8 का आपको वर्ग करना है, 88 + 64, ये दो अंकों का है इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, उत्तर हो गया, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन तीन अंकों का होता है तभी आपको क्या करना है, आगे ले जाना है। जैसे मुझे 99 का वर्ग निकालना है, और 99 का वर्ग निकालने का और भी बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन इसका तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, कितना कम है, एक कम है, तो आप क्या करिएगा, 99 में एक माइनस कर दीजिए 98 हो जाएगा, और आपको क्या कर देना है, यहां पर एक का वर्ग निकालेंगे तो एक ही होगा और ये आपका उत्तर हो गया। तो दोस्तों एक और आपको ट्रिक बता रहा हूं, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 9 का ही मुझे वर्ग निकालना हो, 9 दो बार आया हो, तीन बार आया हो, चार बार आया हो, या 9 कितने बार भी क्यों ना आया हो, देखिए मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं अभी इसी में, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैंने आज वर्ग निकालने के बहुत सारे ट्रिक बताए हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,
आल को भी टच कर दीजिएगा भाई, तभी तो इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ना। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे ट्रिक मिलेंगे और ये ट्रिक तो एकदम खास होने वाला है। देखिए कैसे खास होने वाला है भाई, यहां पर देखिए इसका मुझे वर्ग निकालना है तो ये तो बड़ा कठिन काम है, इसका तो कोई ट्रिक नहीं है। है कौन सा ट्रिक है, देखिए जब भी आपको एक ही प्रकार के संख्या का वर्ग निकालना हो, वो भी 9 वाले की बात कर रहे हैं, अन्य संख्या पर ये काम नहीं करता है, केवल 3 और 6 पर करता है, लेकिन वहां पे ट्रिक थोड़ा सा बदल जाता है। आज मैं केवल 9 वाला बता रहा हूं, तो अगर मुझे 999 का स्क्वायर निकालना हो तो आपको क्या करना है, एक लास्ट संख्या का वर्ग बना दीजिए, ठीक है, और जो दो शेष बच रहा है, या फिर क्या करिए, दो शेष बच रहा है उसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 981 करना है और यहां पर दो संख्या और लिखना है और यहां पर दो संख्या और लिखना है, बस इतना याद रखिए। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद इससे एक कम संख्या लिखना है यहां पर, और हमको दो संख्या लिखना है क्योंकि तीन अंकों का था, तो दो अंक भी और लिखना है, तो एक से कम कितना होगा, 0 होगा, और यहां पर 8 से एक अधिक संख्या मतलब कौन सा, 9 ही लिखेंगे, और ये हमारा उत्तर हो गया। उसी प्रकार अगर इसका मुझे वर्ग निकालना हो तो कितनी संख्या, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, इसका मुझे 981 कर लेना है, लेकिन मुझे पता है कि इसके अंदर में देखिए कितने 9 हैं, 4 9 और है, मतलब यहां पर 4 संख्या और आएगा। देखिए मैंने 981 लिखा, 4 संख्या और लिखेंगे, और यहां पर भी 4 संख्या और लिखेंगे, लेकिन यहां पर हमको क्या करना है, एक से कम लिखना है, मतलब 0 लिखेंगे, वो भी कितने बार, 4 बार लिखेंगे, क्योंकि 4 9 बचा हुआ है। यहां पर 8 से एक अधिक संख्या, तो कितना आएगा, 9, और वो भी कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, निश्चित रूप से हमने बहुत सारे ट्रिक सीखे हैं। इसको हम बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 97 का स्क्वायर निकालना है, तो बस आपको क्या करना है, जितना कम है, 3 कम है तो 3 को आपको क्या करना है, घटाना है, यहां पर 94 आएगा, 3 3 9, और ये आपका उत्तर हो गया है। हो सकता है आप लोग इस प्रकार के ट्रिक को करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत आसानी समझ आए। अब यहां पर जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, वो सबसे अलग है, क्यों, क्योंकि ये वाला ट्रिक किसी भी संख्या के लिए लागू कर सकते हैं, चाहे वो 10 के करीब हो, 20 25 30, किसी भी संख्या के करीब हो, यहां पर हम उसका आधार नहीं लेने वाले हैं, डायरेक्ट बनाने वाले हैं। अब डायरेक्ट कैसे बनेगा, देखिए भाई किसी भी संख्या को आपको वर्ग निकालना हो जैसे इसका, तो आपको क्या करना है, इसके लिए ट्रिक अपनाना है, आपको क्या करना है, इसका वर्ग निकालना है 6 6 का 36, इसका वर्ग निकालना है लेकिन इसको 2 अंकों का लिखना है, ठीक है, 2 2 4 है ना, यहां पर इसको हम 2 अंकों का लिखेंगे। अब एक अंक को छोड़ करके आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, 6 2 12, मतलब इन दोनों का गुना करेंगे तो 6 2 12, और इसको फिर गुना करेंगे 2 से, तो 12 2 24, और इसको आपको यहां पर लिखना है, और इसको आपको जोड़ करके लिख देना है, और ये आपका उत्तर हो गया। जैसे इसको देखिए, एक और बता देता हूं, जैसे 3 3 9 होगा, 2 अंकों का लिखेंगे, हो गया 88 64, हमने इसको ऐसा लिखा, एक अंक को छोड़ करके इन दोनों को गुना करके 8 3 24 और 24 2, देखिए 8 3 24 करेंगे और 24 2 48 करेंगे, यहां पर लिखेंगे 48। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा और 6 आएगा, उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो इसी प्रकार आप बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको मुझे बनाना है, क्या करूंगा, 7 7 49, यहां पर भी क्या होगा, 7 7 49, एक अंक छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 7 7 यहां देखिए, यहां पर भी 7 7 49 ही हो रहा है ना, 7 7 49, इसको आपको 2 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 9 2 18, मतलब यहां पर कितना आएगा, 98 आएगा, यहां पर 98 आएगा। अब इसको आपको जोड़ना है, तो यहां पर 9 आएगा, 8 4 12 का 2 आ जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 9 और 1 10 और यहां पर 19 हो जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये आपका ट्रिक हो गया। तो निश्चित रूप से हमने 5 ट्रिक लिखा था, तो निश्चित रूप से आज मैंने आपको 7 ट्रिक बताया है इस एक वीडियो के माध्यम से। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।